Hello friends, how are you? I hope you are healthy and living. So welcome back to your channel. Myself Abhishek Kumar, I am your Biology Mentor. So today I will discuss very important and interesting chapter of the 11th NCERT, that is the structure organization of animal. So in this particular video, we discuss which type of animal tissue participate in the forming of animal structure, what is their location and what is their function. So each and everything we discuss in conceptual manners and interesting manner. So I hope you really enjoy this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friends. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in the description box and WhatsApp from my channel. So please go through WhatsApp from my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you really appreciate it with me. So watch the video and keep support. Respiratory system of cockroach. So in this particular video, we discuss about each and everything related to respiratory system of cockroach. So first we read what written in NCERT textbook. After that, celebrate each and everything with simple and easy manner. So let's start without wasting any time. The respiratory system कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो काकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें वो किसके मिलकर बना होता है, ट्रैकिया से, नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया से मिलकर बना होता है ना. जैसे हमारे भी ट्रैकिया पाई जाती हैं, ठीक है, काकरोच में भी होता है. द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया डेट ओपन थ्रू 10th पेयर ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पायरकल्स प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी. इसका मतलब क्या हुआ कि जो काकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया से मिलके बना होता है, जो कि ट्रैकिया ओपन थ्रू 10th पेयर ऑफ स्मॉल होल्स, यानी इसकी बॉडी में स्मॉल होल्स पाए जाएंगे, है ना, स्मॉल होल्स पाए जाएंगे इसके बॉडी में. जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा पूरी की पूरी बॉडी में फैला होगा, ठीक है. डेट ओपन थ्रू 10th पेयर ऑफ स्मॉल होल्स, जिसे स्पायरकल्स बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, स्पायरकल्स बोलते हैं, ठीक है. ये हम याद रखेंगे, ये कैसे होल्स होते हैं, स्मॉल होल्स होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, कॉकरोच की बॉडी में पाए जाते हैं, बट कहाँ पे इनका फंक्शन क्या होता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करते हैं, ठीक है. प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ द बॉडी, मान लो ये कॉकरोच की बॉडी है तो यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये स्पायरकल्स पाए जाएंगे, छोटे छोटे होल पाए जाएंगे, ठीक है, कॉकरोच की बॉडी में लेटरल साइड में. लेटरल साइड का मतलब होता है अगल बगल, है ना, ये जैसे ये हुआ तो ये जो हुआ इनको लेटरल साइड बोलेंगे, है ना, ये जो हुए लेटरल साइड हुई, ये जो हुई लेटरल साइड, अगल बगल, है ना. उसके बाद कह दिया है थिन ब्रांचिंग ट्यूब ट्रैकियल ट्यूब सब डिवाइडेड इंटू ट्रोक्यूल्स, है ना, इसमें थिन ब्रांचिंग होगी, जो थिन ब्रांचिंग ट्यूब होगी इसमें ट्रैकियल ट्यूब डिवाइड होंगी किसमें, ट्रैकियोल्स में. आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, हमेशा काम आएगा, हर जगह अप्लाई हो सकता है, ठीक है. जैसे ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया से छोटा, जैसे ट्रैकिया मान लो ट्रैकिया क्या हुआ डेड, ट्रैकिया मान लो पापा हुआ, ठीक है, और ये ट्रैकियोल्स क्या हुआ, ट्रैकियोल्स क्या हुआ, इसका बेबी हुआ, सन हुआ या बच्चा हुआ, ठीक है, बेबी हुआ. यानी ट्रैकिया से छोटा, अगर कोई चीज़ मान लो मैं बड़ी चीज़ ट्रैकिया, है ना, ट्रैकिया हुआ तो ट्रैकिया से छोटा क्या हो जाएगा, उसके आगे क्या लगा देंगे, ओल्स लगा देंगे. जैसे आर्टरी से छोटा आर्टरियोल्स, वेन से छोटा वेन्यूल्स, कैपिली से छोटा कैपिलियोल्स, है ना, ये सारे ओल्स लगा देंगे और ये उससे छोटा हो जाएगा, ठीक है, यानी उससे मिलके बना होगा, उसी से राइज हुआ होगा, समझ गए होंगे आप, ठीक है. द थिन ब्रांचिंग ट्यूब ट्रैकियल ट्यूब सब डिवाइडेड, ट्रैकियल ट्यूब को हम सब डिवाइड कर देते हैं इंटू ट्रैकियोल्स में, है ना, ट्रैकियोल्स में डिवाइड कर देते हैं. कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, इसका काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन को ले जाता है कैरी करता है फ्रॉम एयर यानी इन्वायरमेंट से, है ना, एयर से ऑक्सीजन को कैरी करेगा और बॉडी के सारे पार्ट्स में ये पहुंचा देगा, है ना, एयर को पहुंचा देगा. आगे क्या है, द ओपनिंग ऑफ स्पायरकल्स आर रेगुलेटेड बाई द इन्फेक्टर्स, है ना, जो भी ओपनिंग रेगुलेट किए जाएंगे, कहीं की भी ओपनिंग हो, या हमारी बॉडी की बात करें या हम किसी की बॉडी की बात करें, जहाँ पे ओपनिंग होगी वहाँ पे ओपनिंग रेगुलेट करने के लिए इन्फेक्टर पाए जाएंगे. इन्फेक्टर को क्या है बोलते हैं, सिंपल वर्ड में क्या बोलते हैं इनको, इन्फेक्टर को क्या बोलते हैं, वॉल्व, है ना, सिंपल इन्फेक्टर को क्या बोलते हैं, वॉल्व, है
है ना, कहीं की भी ओपनिंग रेगुलेट करने के लिए वहाँ पे इन्फेक्टर पाए जाते हैं, तो मतलब बॉल पाए जाते हैं, ठीक है। तो ओपनिंग ऑफ स्पेरिकल रेगुलेटेड बाय द स्पेरिकल की ओपनिंग को रेगुलेट करने के लिए क्या पाए जाएंगे, इन्फेक्टर पाए जाएंगे, जिसको वॉल बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, मतलब सिंपल वर्ड में। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एट द ट्रैक्यूल्स बाय डिफ्यूजन, है ना, यानी जो एक्सचेंज गैसेस का एक्सचेंज होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा, गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू होगा, टेक प्लेस एट द ट्रैक्यूल्स, यानी ट्रैक्यूल्स में होगा, किसके थ्रू होगा, बाय डिफ्यूजन, ठीक है। यानी जो कॉकरोच में गैसियस एक्सचेंज होता है वो ट्रैक्यूल्स में होता है, और किसके थ्रू होता है, वो होता है बाय डिफ्यूजन, यानी सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट के हिसाब से चीज़ें इधर की उधर चली जाएंगी, ठीक है। बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो एटमॉस्फेयर से एयर आएगी, यानी एयर से ऑक्सीजन कैरी करेगा और वो ट्रैक्यूल से होते हुए बॉडी में जाएंगी, यानी ट्रैक्यूल्स पे होंगी, स्पाइरकल से होती हुई जाएंगी, स्पाइरकल की ओपनिंग को रेगुलेट कर रहा था इन्फेक्टर, ठीक है, इन्फेक्टर हर चीज़ की ओपनिंग को रेगुलेट करता है, ठीक है, ताकि इधर की चीज़ें उधर ना जा सकें। जैसे हमारी बॉडी में, हमारे हार्ट में वॉल्व पाए जाते हैं ना, ट्राइकस्पिड वाल्व, मिट्रल वॉल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, है ना, राइट एट्रियम से ब्लड आता है, राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, तब वो ओपन हो जाता है, उसके बाद वो क्लोज हो जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये मैं आपको बताऊंगा सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ वुमन में बहुत मजे से, ठीक है। तो फिलहाल तो इसका हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लिया, सो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच मैंने देख लिया, इसका छोटा सा आर्टिकल था, इसमें कोई भी फिगर्स नहीं दिया गया है एनसीईआरटी में, तो फिलहाल इतना पढ़ लेंगे, तो इसी से क्वेश्चन आएगा, तो इसी से आएगा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन कहीं से भी पूछते हैं, अगर एनसीईआरटी से पूछेंगे तो क्वेश्चन वो अपने इसी टॉपिक से देंगे, ठीक है। आउट ऑफ एनसीईआरटी बहुत कम ही आता है मेडिकल एग्जाम में, 2-4-5 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा पढ़ने का, आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाने का है, सिर्फ एनसीईआरटी देखेंगे हम लोग, ठीक है। एनसीईआरटी से ही हमको 80 क्वेश्चन, एटलीस्ट 80-85 क्वेश्चन हम अच्छे से कवर कर पाएंगे, ठीक है। सो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, जिसमें स्क्रिटी सिस्टम कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे। तो टेक केयर, बाय बाय, यू हैव ए नाइस डे।